दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूट्यूब बुलेटिन लाइव, जो आपको रखी सबसे आगे सच के साथ। नए साल के पहले दिन सिद्धपीठ मां शकुंभरी देवी मंदिर दर्शनों को उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। यूपी बुलेटिन लाइव बेहद से विशेष संवाददाता अरविंद गोयल की रिपोर्ट। नव वर्ष के पहले दिन सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। नए साल की अच्छी शुरुआत के लिए भक्तों ने मां शेरावाली के चरणों में शीश नवाकर प्रसाद चढ़ाया और मन्नतें मांगी। इस दौरान मंदिर व्यवस्थापक आदित्य राणा द्वारा विशेष प्रबंध किए गए। वहीं दूसरी ओर सहारनपुर मंडल आयुक्त सहित कई अधिकारियों ने भी शाकुंभरी देवी पहुंच मां भवानी के चरणों में शीश नवाया। रविवार को नव वर्ष की शुरुआत हुई। नए साल सभी लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कुछ लोग जहां नया साल मनाने के लिए घूमने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े लोग नव वर्ष का शुभारंभ अपने तरीके से करते हैं। रविवार को मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही करीब सुबह 5 बजे से ही सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई थी। मां के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु मंदिर परिसर तक पहुंच रहे थे। श्रद्धालुओं ने मां शेरावाली के चरणों में शीश नवाकर प्रसाद चढ़ाते हुए नए वर्ष के लिए मंगल कामनाएं की। आपको बता दें कि कोरोना के बाद सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में नववर्ष के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठा हुई। लाखों भक्तों ने मां शेरावाली के जयकारों के बीच दर्शन किए। मंदिर व्यवस्थापक आदित्य राणा की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई थी। Okay।